तो चलिए प्लस वन क्लास आज थोड़ा सा बॉडी लाइट वेट रखिए, कुछ बाल कटवाने की वजह से शायद ज्यादा कटवा दिए, फिर भी बात करते हैं लेक्चर पे। हम लोग बात कर रहे थे वेव्स पे और हमने कहा था कि वेव इज अ डिस्टरबेंस और फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहां एनर्जी होगा वहां वेव्स जरूर। फिर हमने वेव्स को कहा कि वेव्स को ट्रेवल करने के लिए अगर कोई बैसाखी या मीडियम चाहिए तो वो वेव मैटर वेव, बट अगर कोई वेव विदाउट मीडियम वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है तो वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, जिसका हम लोगों ने सनलाइट कि सनलाइट इज द परफेक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ तक कि हमने मोबाइल से निकलने वाली वेव्स या टीवी में से निकलने वाली वेव, जिससे हम लोग कहते हैं कि सैटेलाइट से चैनल आ रहे हैं, वो सारी की सारी वेव्स को हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर चर्चा करने के लिए दो लोग आगे हैं, ठीक है, प्लीज ये लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर आपका दिमाग खोले, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने डिफाइन कर लिया कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है और वो दोनों की दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है और पाथ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये बात हुई। फिर हमने वेव्स को कहा कि वेव जो है, चाहे वो मैटर वेव है चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें अपनी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगी, उस वेव की एक वेव लेंथ होगी जो उसकी एक पहचान है, उसमें फ्रीक्वेंसी होगा, उसमें वेव नंबर होगा, उसमें इंप्लीट्यूड होगा, उसमें इंटेंसिटी होगा, ये पांच वेव की जन्म कुंडली का हिस्सा है। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब मैटर वेव्स को काट दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जन्म कुंडली बनाने के लिए दो पंडित आगे आए, उनमें से एक पंडित का नाम है मैक्सवेल और दूसरे का नाम है प्लैंक्स। मैक्सवेल ने प्रोवाइड कराया था वेव थ्योरी और प्लैंक्स ने प्रोवाइड कराया था क्वांटम थ्योरी, इसलिए वो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है और वो प्लैंक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटम थ्योरी, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे चर्चा करेंगे। ये दो पंडित हैं जो अब इसकी जन्म कुंडली बनाएंगे। इस जन्म कुंडली को बनाने के दौरान बीच में हमें हल्की सी जरूरत पड़ सकती है, उम्मीद है आपने ये वर्ड सुना हो, विबग्योर। विबग्योर कलर्स हैं, उम्मीद है आपको पता हो, हर कलर का नाम भी आपको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पता कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो लैम्डा इंक्रीज करता है, उम्मीद है। लेकिन लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी है? लैम्डा तो वेव की प्रॉपर्टी है, लैम्डा तो वेव की प्रॉपर्टी है, लैम्डा अगर वेव की प्रॉपर्टी हो तो वेव एनर्जी है। इसका मतलब कलर कुछ नहीं होता, कलर जो होती है वो वेव्स होती है, वो एनर्जी होती है, अलग अलग वेव्स में एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है, या वेवलेंथ की वैल्यू अलग होती है। तो कलर को भी कलर वो पढ़ा लो, कलर जो है वो एक वेव है, एनर्जी है, ठीक है। वेवलेंथ बढ़ती है, उम्मीद है आपको ये भी पता हो कि फ्रीक्वेंसी घटती है, रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है और वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, यहां तक कि ये बात भी सामने आ चुकी है, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और यू कैन से फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है और वो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो कलर्स आर एनर्जीज, ठीक है, ये बात को समझ। अब ये दो थ्योरी दोनों पंडित में से पहला पंडित क्या कहता है? पहला पंडित कहता है कि मान लो एक प्लेट है, प्लेट
प्लेट का मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई प्लेट रख दी मैंने सूरज की रोशनी में, और सूरज से क्या रहा है, लाइट, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, ठीक है। पहला पंडित मैक्सवेल कहता है कि सूरज से जो एनर्जी आ रही है वो इस तरह से आ रही है, इस तरह से लगातार आ रही है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। बिना रुके लगातार, जैसे आपने एक टैप के साथ पाइप को कनेक्ट कर दिया और पानी आ रहा है लगातार आ रहा है बिना रुके, वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, नदियों का पानी कॉन्टिन्यूसली फ्लो, ठीक है। बट प्लैंक्स कहता है कि जो सूरज से रोशनी आ रही है वो लगातार नहीं आ रही, वो रुक रुक कर रुक रुक। कहने का मतलब एक बंदा कहता है कि जो सनलाइट हमारे ऊपर आ रही है, प्लेट के ऊपर आ रही है, वो लगातार आ रही है, और दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि वो लाइट रुक रुक कर आ रही है, ठीक है। तो हम अगर धूप में खड़े हो तो हमारा दिमाग क्या करेगा, लगातार आ रही है सर, हम अगर धूप में खड़े हो लगातार आ रही है, कहीं सोच रहे बादल आ जाए बीच में सर, बादल नहीं बस वो आ रही है, आप अगर उसको फील करेंगे तो आपको लगेगा लगातार, ठीक है। हमें लगातार क्यों लगता है, देख लो सर, मैं व्हाइट बोर्ड पे थप्पड़ मारूं और आपने काउंट कर लिया, चार, ठीक है। अब शायद काउंट करने मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये थप्पड़ इतना तेजी से हमारे ऊपर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर धड़म धड़म करके गिर रहे हैं कि हमारा दिमाग इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर कोई चीज हमारे ऊपर बहुत तेजी से गिरेगी तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो कौन सी बात है, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। पंडित अपनी अपनी बातें कहेंगे, दोनों अपनी अपनी बात कहेंगे, एक की बात सही होगी दूसरी बात सही होगी। तो मैक्सवेल कहता है, ठीक है, कि जो रेडिएशन आती है किसी भी सोर्स से, सोर्स किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, फॉर एग्जांपल सन मान लेते हैं, सन से रेडिएशन आ रही है, और रेडिएशन यानी कि सोर्स से ऑब्जेक्ट पे जो रेडिएशन गिरती है वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली गिरती है। लेकिन प्लैंक्स क्या कहता है कि सोर्स यानी कि सन से जो रेडिएशन हमारे ऊपर गिर रही है, प्लेट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं गिरती, वो कैसे गिरती है, डिसकॉन्टिन्यूसली गिरती है, ठीक है। सो समझ आ गया, लाइट, ये लाइट आ रही है, लाइट इज द कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एंड लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब प्लेट अगर सूरज की रोशनी में है, प्लेट अगर सूरज की रोशनी में है, प्लेट अगर सूरज की रोशनी में है तो ठीक गर्म हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके अंदर चली जाएगी और वो गर्म हो जाएगा, इसका मतलब प्लेट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया, अंदर ले गया, सूरज छिप जाएगा तो प्लेट गर्म की गर्म रहेगी नहीं, फिर ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब इसी ऑब्जेक्ट ने जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब किया था अब उनको एमिट कर देगा, यस और नो, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, आर एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज Always in continuous manner.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे वो फोन से निकल रही है चाहे वो सन से आ रही है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेंगी तो उसको गर्म कर देंगी क्योंकि वो उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली हो रही है, और अगर वो उसमें निकलेंगी तो भी कॉन्टिन्यूसली ही निकलेंगी। ये बात कही मैक्सवेल ने, ठीक है। और यू कैन से रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ लाइट, यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या कहता है? रिवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन डिसकंटीन्यूअस मैनर, ठीक है। ये भी एनर्जी आ रही है, लगातार आ रही है, बिना रुके आ रही है। ये बात कही मैक्सवेल ने, रुक रुक कर आ रही है। ये बात कही प्लैंक्स ने, ये बात गलत है, वो बात सही है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि ये गलत क्यों है और वो सही क्यों है, ठीक है। एनर्जी आ रही है, एनर्जी 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 एनर्जी। क्या है एनर्जी? एनर्जी इसका मतलब यहाँ भी एनर्जी आ रही है, पहले एनर्जी गिरेगी, फिर एक गैप आएगा, हल्का सा गैप, इतना गैप कि हमारा दिमाग उसको एक सेकेंड का भी करोड़ वाले सब, क्या ही कह सकते हैं कि ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये भी पैकेट ऑफ एनर्जी, ये भी पैकेट ऑफ एनर्जी है, श्योर, ठीक है। डिसकंटीन्यूअस मैनर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, तो जो लाइट है वो किससे बनी हुई है? पैकेट ऑफ एनर्जी से बनी हुई है, और वो पैकेट्स हमारे ऊपर, लाइट पैकेट से बनी और वो पैकेट हमारे ऊपर रुक रुक कर गिरते हैं। ये बात प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। पैकेट 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 पैकेट, इस डायग्राम में मैंने 3, 3, 6 और 2, 8 पैकेट ड्रॉ कर रखे हैं, और वो 8 पैकेट हमारे पे इकट्ठे नहीं गिरेंगे, बारी बारी से गिरेंगे, ठीक है। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी is called quanta, एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा बोलेंगे, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ पैकेट को क्वांटम, क्या बोलेंगे? क्वांटम। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ पैकेट्स, क्योंकि क्वांटम का मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ रहे हैं। बस में आगे तो सनलाइट जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी, और वो बारी 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 हमारे ऊपर गिरते हैं, लेकिन वो जरा तेजी से गिरते हैं कि हमारा दिमाग उनको रेड नहीं कर पाता, लेकिन वो गिरते डिसकंटीन्यूअसली है, ठीक है। समझ आ गया? एक पैकेट और दूसरे पैकेट के गिरने में कोई गैप नहीं होता, ये बात कही वेव थ्योरी ने। पहले पैकेट और दूसरे पैकेट के गिरने में गैप होता है, ये बात कही थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट एनर्जी, सुना गया, एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, एंड इफ सोर्स इज लाइट, फोन में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है वो लाइट नहीं है, सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है वो लाइट है। अगर आपका सोर्स लाइट है तो इफ सोर्स इज लाइट, यहां मोबाइल रख दूंगा और यहां सन रख दूंगा, तो यहां मोबाइल रखूंगा तो पैकेट का नाम क्वांटा है, और अगर यहां सन रख दूंगा, इफ सोर्स इज लाइट देन पैकेट इज कॉल्ड फोटोन, देन पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कॉल्ड, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ क्वांटम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ क्वांटम मतलब पैकेट्स, पैकेट्स की बनी एनर्जी ऑफ पैकेट्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर।
ठीक है, और उसी पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम फोटोन है। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन एंड फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। बस समझ आ गई? ठीक है, ज्यादा क्लियर हो? चलो पक्का? ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल करती है किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो मोबाइल में से, चाहे वो सनलाइट में से, अगर किसी वेव के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेवल लग गया तो उसकी वेलोसिटी फिक्स है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। दुनिया में ढेर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ढेर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, सबकी वेलोसिटी कॉमन है, लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कितनों को पता है कि सूरज में जो रोशनी आ रही है उसकी रोशनी के एक हिस्से को विजिबल पार्ट बोलते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं, पता बात? और सूरज से जो रोशनी आ रही है तुम्हें पता हो उसमें से एक हिस्से को ओजोन लेयर रोकती है और उस हिस्से को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आ रही है और सनलाइट से विजिबल रेडिएशन भी आ रही है। इसका मतलब जो चीज सन से आ रही है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। बट जो विजिबल रेडिएशन है वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, क्यों? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू विजिबल लाइट, और उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारी बॉडी सफर नहीं कर सकती, नहीं संभाल सकती, जिससे हमारी बॉडी को कैंसर हो सकता है। ठीक है, इतनी एनर्जी को नहीं संभाल सकती, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग अलग है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग। एक पैकेट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में एनर्जी ज्यादा होगी और एक पैकेट ऑफ विजिबल लाइट में एनर्जी की वैल्यू कम। समझ आ गया? श्योर? जी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी 3×10⁸ से मूव करती है और विजिबल लाइट भी 3×10⁸ से मूव करती है। ठीक है, तो एनर्जी अलग अलग हो सकती है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, बट वेलोसिटी सेम है। ठीक है, पक्का? ठीक है। तीसरा उसने कहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने बताया था इंटेंसिटी का मतलब कि अपने हाथों को बारिश में ले जाओ, ठीक है, एक सेकंड में एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक सेंटीमीटर स्केल एरिया पे जितनी भी एनर्जी पास करेगी, ठीक है, वही उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये बात किसने की थी? मैक्सवेल ने। ठीक है, बात समझ आ गई? बट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तीसरी बात, वेव थ्योरी ने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं उन वेव्स की जो इंटेंसिटी है, सन से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी भी तो होगी, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? एम्पलीट्यूड के स्केयर के होगी, बट डिपेंड नहीं करेगी किस पे? लैम्डा पे, उस वेव की, और फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करेगी। ये बात, जबकि ये बात गलत है। उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। लाइट की पांच प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, पांच। और उस वेव को जो आज हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जन्म कुंडली बनाने के लिए दो पंडित आगे बैठे हैं। एक पंडित ऐसे कहता है कि ये हो सकता है, ठीक है, सोर्स चेंज करते हैं। सन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है
तो तारे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स है, चंद्रमा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स है, ठीक है। सोर्स चेंज कर दोगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तारे की जो एनर्जी है वो सूरज की एनर्जी के बराबर थोड़ी ना, चंद्रमा की जो लाइट है या एनर्जी है वो सूरज के बराबर थोड़ी ना। सोर्स चेंज करने से वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, समझ आया? सोर्स चेंज करने से वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। चंद्रमा की वेवलेंथ, चंद्रमा से जो आ रही है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग होगी, सूरज से जो आ रही है उससे एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग होगी। फिर दूसरी बात उसने कही कि जो इंटेंसिटी होती है वेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर वो किस पे निर्भर करेगी, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करेगी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करेगी। यहां वो गलती कर गया, क्योंकि जो दूसरा पोस्टुलेट दूसरा पंडित ने कहा उसने भी कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। बट तीसरा फैक्ट जो उसने पॉइंट बोला, उसने कहा कि एनर्जी, ठीक है, इंटेंसिटी है तो ऑब्वियसली बात एनर्जी है, इंटेंसिटी एनर्जी है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेंटीमीटर इन 1 सेकंड इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। चलिए तो एनर्जी, एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगी, ठीक है। और मैक्सवेल कहता है कि जो एनर्जी है या इंटेंसिटी है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर ना करके एम्पलीट्यूड पे निर्भर करेगा। इस बात को हम लोग प्रूव भी करेंगे एक टॉपिक से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको मैं जनरल एग्जांपल से देता हूं, ठीक है। सन्नी देओल को मैंने मुक्का मारने के लिए कहा था, ऐसे मैंने साउथ इंडियन हीरो रजनीकांत को भी मुक्के मारने के लिए कहा। रजनीकांत ने 1 सेकंड में बहुत सारे गुंडों को मार दिया, क्यों? क्योंकि उसकी मुक्के मारने की स्पीड ज्यादा थी, और 1 सेकंड में कितने मुक्के मारे जा सकते हैं वो तो फ्रीक्वेंसी था, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेंटीमीटर सॉरी इन 1 सेकंड था। तो रजनीकांत की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और सनी देओल की फ्रीक्वेंसी कम थी, ठीक है ना। अब रजनीकांत ज्यादा मुक्के मार रहा है, ज्यादा गुंडों को मार रहा है, इसका मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है। सनी देओल कम गुंडों को मार रहा है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसमें एनर्जी भी कम है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी एम्पलीट्यूड पे निर्भर नहीं करेगी, वो किस पे निर्भर करेगी, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगी। श्योर, ठीक है। एनर्जी आ गई, उतने ही टाइम में इतने पैकेट गिर गए, जितने ज्यादा पैकेट गिरेंगे एनर्जी भी उतनी ज्यादा जाएगी। पहले मैंने 1 सेकंड में 2 पैकेट फेंके, अब मैंने 1 सेकंड में 8 पैकेट फेंक दिए। 1 सेकंड में मैं जितने भी पैकेट फेंक सकता हूँ, जितने ज्यादा पैकेट होंगे एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, और 1 सेकंड में जितने पैकेट फेंक सकते हैं वो तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा कि जो एनर्जी है एक पैकेट की वो निर्भर करेगी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। सूरज को रखोगे तो फ्रीक्वेंसी अलग है, चंद्रमा को रखोगे तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी अलग है। कैसे? सूरज के सामने 10 मिनट खड़े हैं बैंड बज जाएंगे, चंद्रमा के आगे 10 मिनट खड़े हैं बैंड नहीं बजेंगे। क्यों? सूरज से जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है। क्यों? एनर्जी ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्या है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 1 सेकंड में गिरने वाले पैकेट की संख्या ज्यादा है, चंद्रमा से 1 सेकंड में गिरने वाले पैकेट की संख्या कम है। पूछो, श्योर, ठीक। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। यहां तक पक्का? कैसे? जो लोग यहां पे कंफ्यूज हैं, पता नहीं, तो प्लीज, मैं लंबा हो रहा है लेक्चर, अगर आप लोग यहां पे हल्के से भी कंफ्यूज हैं तो बी क्लियर। वेव थ्योरी कह रही है कि सोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है,
उसमें से जो एनर्जी आएगी वो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करेगी, लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिए एनर्जी पर निर्भर ना करके किस पे निर्भर करेगी, फ्रीक्वेंसी पर। क्या मतलब है, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये मान लेते हैं चांद है और ये मान लेते हैं सूरज है, मून एंड सन। सन से जो पैकेट आ रहे हैं और मून से जो पैकेट आ रहे हैं उनमें क्या फर्क है? ठीक है, जो मून से पैकेट आ रहा है वो ये है, दूसरा पैकेट। आप उतनी स्पीड से रहे पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन सन से जो पैकेट आ रही है वो ऐसा है। तो ये पैकेट इस पैकेट की एनर्जी इस पैकेट के बराबर हो सकती है, एक पैकेट में एक पैकेट के बराबर एनर्जी हो सकती है, लेकिन सन एक सेकंड में ज्यादा पैकेट फेंक देगा और मून एक सेकंड में कम पैकेट फेंक देगा। समझा गया? तो जो सोर्स एक सेकंड में ज्यादा पैकेट फेंकेगा इसका मतलब उसने ज्यादा एनर्जी फेंक दी है, और जो सोर्स एक सेकंड में कम पैकेट फेंकेगा उसने एनर्जी कम फेंकी है, और एक सेकंड में जितने पैकेट गिर सकते हैं वो तो फ्रीक्वेंसी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी सोर्स से आ रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगा कि उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो किस पे निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पे, जबकि इसने कहा था कि फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ई एनर्जी ऑफ ए सिंगल पॉइंट, और यू कैन से सिंगल फोटोन, एक फोटोन में कितनी एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगा सोर्स को। ई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बेटा तो यहां पे एच लगेगा, H, प्लीज ध्यान रखें, H कांस्टेंट होता है और इसका नाम प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आपकी लाइफ का पहला है। H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक पैकेट में कितनी एनर्जी होती है H न्यूकल को कोई पूछेगी सनलाइट गैप, तुम बोलो कि वो पैकेट्स ऑफ फोटोन है या ग्रुप ऑफ फोटोन इज कॉल्ड सनलाइट। एक पैकेट में कितनी एनर्जी होती है तो उसका फॉर्मूला बोलो H न्यू, एक पैकेट में एनर्जी एच नहीं होती है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट कितनी वैल्यू होती है? 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। एच कॉस्ट एच की वैल्यू फिक्स है बेटा, इतनी होगी 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, इतनी है। तो मैंने कितने पैकेट, इस पैकेट में कितनी एनर्जी है H, अगर पहले में H नहीं होगी तो दूसरे में भी H नहीं होगी, सभी पैकेट में बराबर एनर्जी है। समझ आ गई? H आठ हुए। तो इस डायग्राम के हिसाब से इस सोर्स ने इस ऑब्जेक्ट पे कितने पैकेट फेंक दिए? 8। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी होगी? ET दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेट्स इनटू एनर्जी ऑफ सिंगल पैकेट। ठीक है, ET नंबर ऑफ पैकेट को बोल देते हैं एन, एन इज दी नंबर ऑफ पैकेट्स, पैकेट इज कॉल्ड फोटोन अगर सनलाइट है। तो कोई भी सोर्स कितनी एनर्जी फेंक रहा है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पैकेट इनटू एनर्जी ऑफ वन पैकेट। अगर आप सनलाइट में 10 मिनट खड़े होंगे तो आपके ऊपर कम पैकेट गिरेंगे, आधा घंटा खड़े होंगे तो ज्यादा पैकेट गिरेंगे, तो आधे घंटे में ज्यादा गर्म हो जाओगे, 10 मिनट में कम गर्म हो। ठीक है, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। टोटल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड
आइंस्टीन एनर्जी, टोटल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड आइंस्टीन एनर्जी इफ एन की वैल्यू 6.022 × 10⁻³। उम्मीद है आपको पता हो ये वन मोल, और वन मोल को एन ए भी बोलते हैं। एवोगैड्रो, तो अगर टोटल नंबर ऑफ पैकेट की संख्या एक मोल होगी तो एक ऑब्जेक्ट पे अगर एक मोल पैकेट गिर चुके हैं तो हम कहेंगे कि उस टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, आइंस्टीन एनर्जी। देन इन दैट केस ईटी इज कॉल्ड ईटी आइंस्टीन एनर्जी, और एन को रिप्लेस कर देंगे वन मोल यानी कि एन ए। तो अगर वो बोले टोटल एनर्जी की वैल्यू बताओ तो नंबर ऑफ पैकेट देख लो, अगर वो बोले आइंस्टीन एनर्जी की वैल्यू बतानी है तो नंबर ऑफ पैकेट बताने की लोड नहीं है, वो वन मोल फिक्स इतना रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉन्टिन्यूसली चलती है, बिना रुके चलती है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रुक रुक कर चलती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन चलती है। इसलिए हर बॉडी का टेम्परेचर होड़े होड़े बढ़ता है, ठीक है। किसी भी सोर्स को ले लो, चाहे वो फोन में से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो सन में से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन इन सभी की वेलोसिटी बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात को वेव थ्योरी ने भी माना और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने माना। वेव थ्योरी ने कहा कि किसी भी सोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स है, ठीक है, उसमें से जो एनर्जी निकलेगी इंटेंसिटी वो डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड के ऊपर, जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा कि जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड पे निर्भर न करके किस पे निर्भर करेगी, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगी, ठीक है। तो एक पैकेट में कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट फिक्स है, याद रखनी है आपको। टोटल कितनी एनर्जी आएगी वो डिपेंड करेगा कितने पैकेट गिरे हुए, और अगर नंबर ऑफ पैकेट की संख्या वन मोल कर देंगे टोटल एनर्जी इज कॉल्ड आइंस्टाइन एनर्जी, ठीक है। क्या ये दोनों थ्योरी साथ साथ आएंगी, आई थी नो, पहले थ्योरी आई थी वेव थ्योरी। जब वेव थ्योरी में कुछ फेलियर मिले, ठीक है, तो जाकर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उन फेलियर्स को डोमिनेट किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। क्या फेलियर थे, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्लीज थोड़ी देर के लिए सुन लो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन कलर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये थोड़े दिनों बाद आएगा ये और ये कल आ जाएगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए आगे आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और कल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।